नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, मैं अपनी बहन के ही घर हूँ और लगभग 2-3 दिन से ज़्यादा हम वहाँ पे रहे हैं, तो उन्हीं में से ही किसी एक दिन का ये वीडियो है। कौन से दिन का है ये तो मैं नहीं याद है मुझे, क्योंकि 2-3 दिन पहले मैंने ये वीडियो बनाया था। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ खाना बनाने की तैयारी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे आलू उबलने के लिए रख दिए हैं, और आलू ही बनेंगे, आलू की सब्ज़ी और रायता बनेगा। आशु अपने किसी काम पे लग रही थी, तो मैं कहा चलिए मैं कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। अब देखिए, ये तो है नहीं कि बैठ के काम चल जाएगा। और तबीयत का मैं आपको बताऊँ, बच्चों की तबीयत अब पहले से बहुत बेटर है। उनकी जो प्लेटलेट्स हैं वो पहले से अच्छे आ रहे हैं, और जितनी भी बार हमने उनके टेस्ट कराए हैं अब उनमें बढ़ के ही आ रही है। तो जी, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया उसके लिए। तो वहाँ पे मैं जो है, मुझे नज़ला जुकाम सा बहुत ज़्यादा हो रहा, तो उसकी वजह से मैं अपने लिए चाय बनाई थी मैंने तुलसी की, तो वही मैं पी रही थी आलू उबलने रखने के बाद, और कृष्णा को भी दे रही थी क्योंकि वो भी, उसको भी मुझे लग रहा था कि नज़ला सा था। तो पहले हम लौकी बनाने लग रहे थे, लेकिन फिर बाद में डिसाइड हुआ कि आलू की सब्ज़ी और आलू का रायता बना लेंगे। तो देखिए, बस यहाँ पे मैं आटा बना ले रही हूँ, क्योंकि आशु कुछ काम कर रही थी। और ये है भी जी, अगर तबीयत ख़राब हो तो चलिए एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर तबीयत में थोड़ा सा भी सुधार होता है तो बंदा सोचता है कि चलिए एक दो काम कर लीजिए। तो वही मैं भी सोच रही थी, मैंने कहा चलिए बैठे बैठे तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, तो जितना मेरे से हो रहा था उतना मैं कर रही थी। तो आटा देखिए मैंने यहाँ पे लगा दिया है, आलू भी उबल गए हैं, और प्यूरुई जो है देखिए यहाँ पे टेस्ट करवा के आई है, तो वो मुझे अपनी बाँह दिखा रही है, क्योंकि बच्चों की जो बाँहें हैं, रोज डेली ब्लड लिया जाता है, तो उनकी जो नसें हैं वो नीली हो रही हैं। तो दुख भी होता है देख के, लेकिन खुशी इस चीज़ की है जी, चलिए कोई नहीं, फ़िलहाल ठीक है। तो देखिए, आलू मैंने, आलू की सब्ज़ी बनानी है, उसके लिए मैं यहाँ पे प्याज काट रही हूँ, और साथ में ही मैं टमाटर भी काट लूँगी। छौंक की तैयारी पहले मुझे ये था, मैं कहा चलो जितना मेरे से हो जाएगा उतना मैं कर लूँगी, उसके बाद आशु जब अपना काम करके आएगी, वीडियो वगैरह वो कुछ एडिट कर रही थी, तो मैं कहा फिर वो कर लेगी। तो फिर उसको टाइम लग गया, तो मेरे पास टाइम था, मैं कहा चलो मैं कर लेती हूँ अभी। तो देखिए, होता नहीं कि वो अकेली लगी रहे और मैं पड़ी रहूँ, दोनों ही लग के करते हैं। बस ये है कि जिसकी तबीयत ठीक होती है वो थोड़ा सा ज़्यादा कर लेता है, जिसकी तबीयत थोड़ी सी डाउन हो जाती है वो लेट जाता है। पर अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि भाई ये ना फील होगी, भाई होता ही है, देखिए बच्चे हैं साथ में, वो भी अकेली कितना करेगी, तो थोड़ा सा हो ही जाता है। तो वही मैं यहाँ पे, मैं कहा चलो भाई जितना बन पड़ता है उतना करिए। और देखिए, ये सभी के ही साथ है, बंदा चाहे जहाँ रहे अगर वो ठीक है तो वो करेगा काम, अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो शायद अवॉइड कर जाए। तो देखिए, यहाँ पे छोटे मोटे से काम थे, मैं कहा चलो इनमें तो कोई ऐसा नहीं है कि मेरे पे कोई ज़्यादा जोर पड़ रहा है या कुछ, ये तो आराम से खड़े खड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आलू छील रही थी, तो आशु भी आ गई थी, तो यहाँ पे मैं उसे पूछ रही हूँ, मैंने कहा सब्ज़ी कितनी बहुत है आलू की, तो मैं सब्ज़ी में तड़का लगाऊंगी और आशु जो है वो बनाएगी रायता। और यहाँ पे मुझे आशु कुछ बात भी बता रही है, तो मैं सही में बताऊँ, जैसा रिश्तेदार है हमारे या कोई भी, तो मेरा इतना नहीं है किसी के भी साथ कांटेक्ट, लेकिन आशु का सबके साथ है कांटेक्ट, मतलब बातचीत होती है। आशु की शादी मेरे से 4-5 साल पहले हुई थी, तो ये पहले, मतलब इसका ज़्यादा कांटेक्ट है उनके साथ। और शादी के बाद मैंने पहले भी बताया कि मैं साथ के साथ ही पिंजौर वापस आ गई थी, तो मेरा इतना किसी के साथ जुड़ाव हो नहीं पाया। जुड़ाव मान लीजिए कि या मुझे वो टाइम नहीं मिला या मैं उतना नहीं कर सकी, क्योंकि पीहू के डैडी भी जो है वो स्टार्टिंग से ही बाहर रहते थे, जिज्जा जी के साथ था, अब जिज्जा जी के साथ था तो आगे आशु के साथ भी उनका हुआ है, तो शायद कहीं ना कहीं वो एक कमी है कि हम चाह के भी उस कमी को पूरा नहीं कर पाते। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका कि हमें पता ही नहीं है, आशु बताती है कि ऐसे ऐसे है तो उनका पता लग जाता है हमें, नहीं तो हमें पता नहीं लगता। और देखिए, बड़ी है आशु घर में, बहू है जो सबसे बड़ी है, और बड़ी बहू के साथ ज़्यादा जिम्मेदारियाँ भी आती है। देखिए, ये है कि बड़ा ओहदा जब मिलता है तो उसके साथ जिम्मेदारियाँ भी बहुत आती है, तो छोटों के पास तो बाद में आते हैं, काम सारे जो भी हैं बच जाते हैं वो छोटों के पास आते हैं, नहीं तो पहले बड़ों के पास ही जाते हैं, उसके बाद आगे जैसे जैसे सही सही सिचुएशन बनती जाती है हम लोग वैसे वैसे काम कर लेते हैं। ये ज़रूर है कि भले ही वो बड़ी है या मैं छोटी हूँ, काम सब एक दूसरे से पूछ के ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अपनी मर्ज़ी से, कि आशु बड़ी है कि वो अपनी मर्ज़ी से कर रही, या मैं छोटी हूँ मैं बिना पूछे कर रही, तो काम जो भी हैं सारे सब
को पूछ के होते हैं, सबकी सलाह में होते हैं। भले ही मतलब कुछ भी हो, कुछ भी बात पता चलती है, तो अगर आशु को वो चीज़ पता लग रही तो वो पूरे घर में मतलब सबको बताएगी वो उस चीज़ को। मम्मी को कुछ पता है या मुझे कुछ पता है, तो सबके साथ हमारा होता है। ये नहीं कि भाई एक को पता लग गई तो वो बात उसी तक रहेगी। तो ये हमारी जो फैमिली है उसका प्लस पॉइंट है। तो देखिए बस यहाँ पे आशु ने रायता बना दिया है, मैंने सब्जी छोंक दी थी, तो मैं कहा चलो भाई तब तक मैं जो है क्या बोलते हैं रोटी बना देती हूँ। तो बच्चों की जो है रिपोर्ट भी आ गई थी, एक आधे एक घंटे बाद बच्चों की रिपोर्ट आ जाती है, तो उसमें इनकी टेस्ट में जो ब्लड सेल्स है वो बढ़ के आई है काफ़ी। तो बहुत खुशी भी हो रही है, तो दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी कि आप लोगों ने इतने सारे सजेशन दिए, इतना प्यार दिया, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। तो जो जो भी आप लोगों ने बताया, हमने वो ज़्यादा नहीं थोड़ा सारी चीज़ें की हैं, और शायद उसी का ही नतीजा है कि बच्चे जो है वो जल्दी रिकवरी कर गए। लेकिन वही है कि एक दिन एक दो मतलब शुरू में तो ऐसा हो रहा था, मन बिल्कुल टूट गया था उस टाइम पे हमारा। तो खैर फैमिली का सपोर्ट था और आप लोगों का साथ था, भगवान का आशीर्वाद था कि हम उस दुख की घड़ी से बाहर निकल गए। तो देखिए बस यहाँ पे मैं रोटियाँ बना रही हूँ और आशु जो है वो सबके लिए खाना लगा देगी। तो इसी तरीके से मिल के दोनों बहनें कर लेते हैं, उसको भी थोड़ी हेल्प हो जाती है और मेरा भी थोड़ा सा हो जाता है कि चलो भाई काम करते रहते हैं तो मन जो है वो लगा रहता है। तो देखिए बस यहाँ पे मैं रोटी बना दूंगी, वो सबको दे देगी और उसके बाद खा पी के करेंगे और काम। आज मेरा टाइम खराब है, ज्यादा ही इसमें तो नजर ही नहीं आ रहा फोन में। तो क्या लगाया इसके मुंह पे हो, क्या लगाया? ये नहीं लगाना बेटे, वो गर्म हो नुकसान दे जाओ, सबको सूट नहीं करता एलोवेरा जल। तो जी देखिए यहाँ पे अब मैं बच्चों को दे रही हूँ दवाई, तो बच्चों को दवाई वगैरह देने की जिम्मेदारी मेरी ही है, और कई कई बार बच्चों को दवाई देनी पड़ती है, कई कई सारी दवाई इनको देनी पड़ती है। तो अभी हमने कुछ जो दवाइयाँ हैं उनको रोक दिया है, और हमने बीच में जब जिस दिन इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो उसके बाद हमने डॉक्टर भी चेंज किया। डॉक्टर ने जो है कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ दी जिनसे कि प्लेटलेट्स बढ़ती हैं, तो उसके भी शायद कुछ फ़ायदा हुआ इनको डॉक्टर चेंज करने का। तो जो भी फ़िलहाल अंग्रेजी दवाइयाँ हैं वो हमने बंद की हुई हैं, और आयुर्वेद की जो दवाइयाँ हैं खास किसी चीज़ की वो हम इनको दे रहे हैं। तो काफ़ी इनको आराम लगा है डॉक्टर चेंज करने के बाद भी, हालांकि वो डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं, अब तक उन्हीं के ही पास हम लोग जाते थे तो आराम होता था। बस जी वही है, टाइम की बात है, कई बार राख की चुकटी लग जाती है, बड़ी बड़ी दवाइयाँ नहीं लगती। तो खैर बच्चों को दवाई दे दी है मैंने, और उसके बाद यहाँ पे उनके खाने पीने का भी खास ध्यान रखना पड़ता है। खाने पीने की मैं आपको बताऊँ तो ज़्यादातर जो ज़्यादा बच्चों का काम है खाने पीने वाला, वो पीहू के डैडी करते हैं। हर थोड़ी देर बाद उनको क्या देना है, कैसे कैसे देना है, तो इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पीहू के डैडी के ऊपर है। दवाई वगैरह मैं देती हूँ, और खाने पीने का जो सामान है वो ये देते हैं, बीच बीच में मैं भी दे देती हूँ, या और भी कोई जो भी है जिसका भी लग रहा है कि भाई थोड़ी सी भी देर हो गई है, बच्चों को कुछ लिक्विड दिए हुए या कुछ खाए पिए हुए, तो सारे ही मिल बांट के कर रहे हैं। लेकिन जो खाने पीने का मेन जो कह सकते हैं विभाग है वो पीहू के डैडी के पास है। तो जी देखिए बस यहाँ पर बच्चों को दे देता है, और जैसा कि मैंने बताया तबीयत मेरी भी ठीक नहीं थी, तो मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना था। तो डॉक्टर ने जैसा मैंने उनको बताया, क्योंकि मुझे अभी भी अपने शरीर में बुखार महसूस होता है, थकान इतनी लगती है बहुत ज़्यादा, मतलब कई बार ऐसा होता है कि मैं जैसे ही खड़ी होती हूँ तो मुझे चक्कर आने लगते हैं, तो वो भी कई चीज़ें थी। तो फिर हम डॉक्टर के यहाँ गए, तो डॉक्टर ने मुझे वही बोला है कि जी जैसा उस टाइम पे मेरी तबीयत ख़राब थी, तो उन्होंने मुझे बिल्कुल क्लियर बोल दिया था कि आपको 4 से 5 दिन का प्रॉपर रेस्ट करना होगा, लेकिन बच्चों की तबीयत ख़राब की वजह से मैं रेस्ट नहीं कर पाई। तो शायद डॉक्टर बोल रहे हैं कि मेरा जो टाइफाइड है वो दोबारा होगा, डबल टाइफाइड हो जाता है ना वो वाली चीज़। तो अभी उन्होंने दवाई दी है पहले कि आप दवाई खाओ, उसके बाद उन्होंने मेरे टेस्ट लिखे हैं। तो जी देखिए जब कोई दिक्कत होती है तभी आदमी काम नहीं कर पाता, नहीं तो ऐसा नहीं है कि आदमी ठीक ठाक हो और वो ना कर पाए। तो देखिए बस यहाँ पे ये फिर जिस दिन का वो वीडियो है उससे 2 दिन बाद का ये वीडियो है, क्योंकि बीच में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। तो यहाँ पे शाम का टाइम है, तो आशु भी अपने काम से मैं लग रही थी, मैं कला में थोड़ी सी चादर वदरे से झाड़ दूँ, आशु ने धोई थी चादरें, तो मैं कला में थोड़ा सा ये साफ़ सफाई से कर दूँ, शाम के टाइम हो ही जाता है।
तो यहाँ पे देखिए बस मैं शाम की साफ़ सफाई कर दूँगी और उसके बाद जो है थोड़ा बहुत करने के बाद फिर अपने अभी बाल बूल बाऊँगी, क्योंकि ऐसे ही हो रहे थे मुँह माँ धो के शाम को लेट के। तो मैं कहा चलो उठ के बच्चों के भी बाल वगैरह बाऊँगी। और अब जो है बच्चों की जैसा तबीयत से ठीक है, तीन ये वीडियो जो है ये मैं आपको बताऊँ, ये है कल का, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, ये 18 तारीख का वीडियो है। और जो पहले जिसमें मैं खाना बना रही हूँ वो वीडियो शायद 16 या 17 तारीख का वीडियो है। तो पिछले 4-5 दिन से मेरे से वीडियो नहीं बनी थी इतनी। तो यहाँ पे देखिए आशु जो है वो मुझे दिखा रही है कि उसके ना सर पे सफ़ेद बाल आ गए हैं काफ़ी सारे, तो वो मुझे कह रही है कि इन पे कलर कर देना। तो मैं कहा चलो कर दूँगी, अभी तो नहीं होगा लेकिन मैं कर दूँगी। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने भी मुँह हाथ धो लिया, अपने बाल वगैरह बनाऊँगी और उसके बाद बच्चों के भी सारों के मैं बाल वगैरह बना दूँगी। बाल वगैरह बनाने के बाद अब मैं उनको पढ़ा रही हूँ, जैसा कि अब बच्चों की तबीयत ठीक है तो 20 तारीख को बच्चों का पेपर है, सारों का ही है, चारों बहनों का। तो बच्चे अब जब ठीक हैं तो मैं कहा चलिए भाई पेपर अगर देना चाहते हैं तो दे लेंगे। तो बच्चे भी कह रहे थे, इनकी तो बल्कि बेचारियों की तैयारी पहले भी थी लेकिन उस टाइम इनकी तबीयत ख़राब होगी तो ये नहीं दे पाई, लेकिन अब बच्चे जो हैं अच्छे हैं, ठीक हैं और भगवान करे कि बिल्कुल ठीक ही रहें, तो वो अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे रहे हैं बीच बीच में। तो मैं जैसा बैठी रहती हूँ मैं कहा चलो लाओ मैं पढ़ा दूँगी, क्योंकि बैठे बैठे इससे तो ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर पाती। तो मैं कहा चल पढ़ाई वगैरह मैं करवा दूँगी। तो यहाँ पर फिर सारे बच्चों को मैंने पढ़ाई वगैरह करवाई, एक डेढ़ घंटा मैं लेके बैठ जाती हूँ इनको आराम से, तो कर लेते हैं। उसके बाद फिर शाम के टाइम आंसू ने चाय वगैरह बनाई और उसके बाद रात का खाना वाना खाया। तो फिर रात को जो है हम लोग आ गए थे वापस, क्योंकि जी देखिए कितना भी हो अपने घर जाना ही होता है वापस। हाँ ये ज़रूर है कि अपनों के साथ रह के दिक्कत का इतना पता नहीं चलता जितना अकेले में होता है। खैर जो भी हो जी, आप हम साथ में हैं तो सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी जल्दी ही। तो इसके बाद हम लोग आ गए थे घर वापस। तो जी हम आ चुके हैं इधर अपने वाली साइड और टाइम बच गया है 9:30। लगभग 3-4 दिन के बाद हम लोग यहाँ पे आए हैं और प्यू रुई तो आई नहीं अभी भी। वो कहने लगी, बच्चे ईशु भी कहने लगी कि नहीं मौसी अभी आज रहने दो, क्योंकि परसों को प्यू रुई, हाँ परसों पेपर है उनका। तबीयत में उनकी सुधार है, बहुत है आप लोगों की दुआ से और भगवान के आशीर्वाद से। तो कपड़े हम जिस दिन वहाँ पर गए थे मैंने उस दिन शाम के टाइम कपड़े धोए थे। पेटे बंद करो अभी इसे बाबू। तो कपड़े, बरसात हो रही थी जिस दिन, 2-3 दिन बरसात रही यहाँ पे, तो कपड़े जो है वो अंदर ही फैला दिए थे धोए हुए, कुछ यहाँ डाले हुए अंदर, कुछ मैंने ऊपर मोन्टी में डाल दिए थे। तो अभी मतलब ऐसे ही पड़ा सारे में, पर कोई नहीं जी हो जाएगा धीरे धीरे। तो बच्चों को ये कहने भी लगे कि चलो भाई, ये भी बोलने लगे कि सुबह को थोड़ा सा साफ सुथरा सा करके यहाँ पे, तो क्योंकि बच्चों के साथ में तो हो नहीं पाता इतना, कि ये करके फिर बच्चे आ जाएंगे कल को। और जो है हेल्प के लिए भी देख रहे हैं किसी को, जिनको बोला वो कह रहे हैं कि रोज डेली दुकान पे आती थी वे उनके पास, लेकिन 2 दिन से जब से हमने उन्हें बोला कि भाई आ जाएंगी तो तब से वो आ नहीं रही, पता नहीं क्या तो है क्या नहीं। खैर चलिए जी, जो भी है टाइम पे काम होंगे अपना, जो भी टाइम होगा।
तो इधर हम लोग आ गए थे आज, और पढ़ा ऐसे ही है, हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि डॉक्टर ने भी, मैं कल गई थी डॉक्टर के यहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि जो मेरे लक्षण दोबारा से नज़र आ रहे वो टाइफाइड वाले ही हैं, क्योंकि जब मुझे टाइफाइड था तो रेस्ट नहीं मिला था, तो टाइफाइड के वापस आने के चांसेस हो जाते हैं ज़्यादा, तो जो लक्षण नज़र उनको आए वो टाइफाइड वाले ही थे। बाकी उन्होंने अभी दवाई दी है और बोला है कि 5 दिन की दवाई दे के उन्होंने फिर से 3-4 टेस्ट लिखे हैं, तो वो करवाए जाएंगे, उसके बाद फिर अगर ठीक रहा तो क्लीन चिट मिल जाएगी। खैर कोई नहीं जी, धीरे धीरे ही होएंगे, क्योंकि कहते हैं कि बीमारी आती घोड़े की चाल है, जाती चींटी की चाल है, तो बच्चे फिलहाल ठीक हैं, उस चीज़ की सबसे ज़्यादा संतुष्टि हमें है। तो जी चलिए बस फिर अब सोने की थोड़ी सी सेटिंग करती हूँ कि यहाँ पे सोना है, बिस्तर वगैरह लगाएंगे और ये कपड़े वगैरह उठा के रखूँगी एक साइड, देखती हूँ सुबह को इन्हें धूप में डालूँगी, क्योंकि कपड़ों में एक अजीब सी स्मेल हुई रहती है। तो जी चलिए बस फिर इस वीडियो को मैं यहीं पे रोकती हूँ और मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं जल्दी। तब तक के लिए क्या है, तब तक के लिए बोलो, बेबी है मेरा सोना, ओए तू कब से सरमान लगा। बाय बाय, राधे राधे।